गले ही नहीं चुटकुले भी खूब सुनाते थे जगजीत सिंह। हमारा हाल देखा क्या हो गया है। मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह के गाए भजन, गीत और गजलें आज भी उनके चाहने वालों की सुबह, दोपहर और शामें रोशन करती रहती हैं। अपने लाइव कार्यक्रमों के दौरान जगजीत सिंह चुटकुले भी खूब सुनाते थे। उनकी कुछ परफॉर्मेंस से चुने गए कुछ चुटकुले हम संकलित कर लाए हैं खास आपके लिए उनकी पुण्यतिथि पर। जगजीत सिंह सुनाते हैं। पेड़ पर एक तोता मैना बैठे प्यार कर रहे थे, तो तोता मैना को जब बीवी ने देखा तो वे बोली, देखो जब हम 5 साल पहले आए थे तब भी यह तोता मैना यहीं बैठे थे, आज तक कितना प्यार है इनमें और हमारा हाल देखो क्या हो गया है। पति बोला, जरा ध्यान से देखो, तोता वही है मैना दूसरी है। एक और लतीफा जो अक्सर जगजीत सिंह सुनाया करते थे वह यूं है। एक बीवी गई माँ के, पति घर पर अकेला था। उसने दीवार पर बीवी की फोटो लगाई और उस पर चाकू फेंक रहा है उस पर, लेकिन चाकू निशाने पर नहीं लग रहा, मिस हो रहा है, कभी इधर कभी उधर। इतने में बीवी का फोन आया, बोली, डार्लिंग क्या कर रहे हो। पति बोला, कुछ नहीं डार्लिंग, तुम्हें मिस कर रहा हूँ। ये है अगला चुटकुला जो जगजीत सिंह का बहुत फेवरेट रहा है। पति पत्नी ड्राइंग रूम में बैठे थे, इतने में टेलीफोन की घंटी बजी। पति बोला, मेरा हो तो बोलना, मैं घर पर नहीं हूँ। पत्नी ने फोन उठाया, बोला, फिर धीरे से बोली, हेलो, वो घर पर हैं, और फोन रख दिया। पति कहता है कि तुम्हें कहा था ना, मेरा हो तो कहना मैं घर पर नहीं हूँ। पत्नी बोली, आपको फोन नहीं था, मेरा फोन था। जगजीत सिंह की लाइव परफॉर्मेंसेज में उनसे कैफ भोपाली की गजल, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, की बहुत फरमाइशें होती थी। इस गजल को वे सुनाते भी बड़े मजे लेकर थे। जैसे ही मिश्रा आता था, आग का क्या है पल दो पल में लगती है। जगजीत सिंह साजिंदों को रफ्तार कम करने का इशारा करते और बोलते, ये इसकी आग है, प्रेम की अग्नि, लव एट फर्स्ट साइट, उसके बाद साइड ढूंढते रहो। फिर अगली लाइन सुनाते, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। फिर रुकते और बोलते, सबसे पहले तो चश्मा लगता है, फिर दांत लगते हैं, फिर बाल भी लगते हैं, और कभी तो घुटने भी लगते हैं।